जो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस संदीप खन्ना जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों से पहले अपना ऑर्डर रिजर्व किया उसको आज उन्होंने सुनाया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल थे कि अगर ईडी पीएमएलए एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 19 अरेस्ट करती है और अंडर सेक्शन 45 कोर्ट उसके अंदर बेल की बात सोचता है तो सेक्शन 19 के अंदर जब ईडी जो एक एजेंसी है वो अरेस्ट करती है तो उसका जो डिसीजन है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई तय सिद्धांत नहीं है किस पे वो अरेस्ट कर रहे हैं। और वो सेक्शन 19 बेसिकली उन अफसरों की ओपिनियन है। तो अगर किसी कानून के अंदर बेल के प्रावधान इतने सख्त हैं जितने सेक्शन 45 में है तो उसमें अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बात बात पे अरेस्ट कर ले और फिर बेल ना दें। अगर बेल आसान है किसी कानून में तो उसमें अरेस्ट भी आसान होती है, और अगर कानून में बेल मुश्किल है तो उसमें अरेस्ट होने भी कनेक्टेड तो है नहीं, इसको बिना कनेक्ट करे कर लेंगे। सर अब लाइव चल रहा है। तो बेल के सिद्धांत ये है कि अगर बेल मिलना किसी कानून के अंदर कठिन है तो उसके अंदर अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीड एंड नेसेसिटी ऑफ बेल के बारे में कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात ये कही कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी करीब 90 दिन से ज्यादा पहले ही जेल में रह चुके हैं, लिहाजा उनको इंटरिम बेल दी जाए। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मुकदमा है, ऐसे में अब मुख्यमंत्री रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं ये फैसला कोई कानून कोई कोर्ट नहीं कर सकता, ये फैसला स्वयं वही कर सकते हैं, लिहाजा इसके अंदर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कूद रहे थे कि साहब वो उनके ऊपर मुकदमा हो गया वो अरेस्ट हो गए तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वो हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट ने भी यही बात कही और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे इसमें कोर्ट कोई दखल नहीं कर सकता। ये बात आपके सामने रखी और मैं अपनी तरफ से उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो इस केंद्र सरकार के अत्याचार से पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और खास तौर पे पीएमएलए के कारण उनके ऊपर अलग अलग मौकों पे अत्याचार किया जा रहा है। देखिए मैं ये समझता हूं जुडिशरी भी आपके समाज का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जिसको चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मुकदमों के अंदर फंसाती है, मुकदमों में फंसाने के बाद अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाला जाता है, जेल में डाल के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि यदि वे भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए तो उनके ऊपर वो मुकदमा कमजोर कर दिया जाता है, छापे भी इस तरीके से डाले जाते हैं। अब ये बात लगभग साफ हो गई है न्यायालयों के सामने कि ईडी के मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से और उनको आम पुष्ट करके भारतीय जनता पार्टी में लाने की भावना से केंद्र सरकार लगा रही है। तो कोर्ट इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हेमंत सोरेन जी की बेल जो है हाई कोर्ट से हुई, अरविंद केजरीवाल जी की बेल तो लोअर कोर्ट से ही हो गई थी आप देख सकते हैं, मगर जिस तरीके से ईडी रातों रात भागी, हाई कोर्ट के जज साहब ने बिना हाई कोर्ट का फैसला आए, ये इतिहास में पहली बार हुआ जिस जज ने हाई कोर्ट का फैसला ही नहीं पढ़ा, उसको यही नहीं मालूम कि लोअर कोर्ट ने किस बात पे बेल दी है, लोअर कोर्ट ने क्या दलीलें मानी है, क्या दलीलें खारिज की है, उस फैसले को बिना देखे
हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने जो है उसके अंदर रोक लगा दी थी, तो वो भी जो मैसेज जो है मुझे लगता है पूरे समाज और जुडिशरी में गया है। और ये बात साफ है कि केंद्र सरकार एक विच हंटिंग कर रही है। लेकिन अभी सीएम बाहर नहीं आ पाएंगे 17 जुलाई को, देखिए वो तो आतिशी जी ने भी बताया। देखिए बार बार पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी, पीएमएलए में मिलती नहीं है, उन्हें मिली। फिर लोअर कोर्ट में न्याय बिंदु जी ने उनको बेल दी, अब देश की हाईएस्ट कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे दी। आप इस बात को समझिए, जैसे ही न्याय बिंदु जी ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल दी थी, ये बात केंद्र सरकार को समझ में आ गई थी कि अब गई भैंस पानी में, अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाले हैं। इसीलिए सीबीआई जो है रातों रात अरविंद केजरीवाल के यहां गई, तिहाड़ के अंदर उनको उन्होंने अरेस्ट किया, 2 दिन के लिए फॉर्मेलिटी के लिए जो है 3 दिन की उनकी जो है इंटरोगेशन करी, और जो है ये कह दिया कि जी इन्होंने सीबीआई ने भी इनको अरेस्ट कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं गलती से अरविंद केजरीवाल जी की बेल सुप्रीम कोर्ट में हो गई तो उनको उसके बाद भी जो है जेल में रखा जाए। बट मैं ये मानता हूं पीसी एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है, वो मोटे तौर पे सीआरपीसी से गवर्न होता है, जिसके अंदर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। इस सीबीआई की बेल के अंदर सीबीआई को साबित करना पड़ेगा कि इनको जेल में क्यों रखना है। ईडी और पीएमएलए के मामले में जो एक्यूज होता है उसको साबित करना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूं, तो इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सीबीआई के ऊपर है। और मुझे लगता है सीबीआई में तो बहुत सारे जो एक्यूज है एक्साइज केस के अंदर उन सबको बेल मिल रखी है, वो सिर्फ पीएमएलए के अंदर जो है उनको बेल नहीं मिली थी जिसकी वजह से वो जेल में थे। तो इट्स अ मैटर ऑफ आई थिंक सम टाइम कि ये सीबीआई की बेल के अंदर जब मामला आएगा तो हमें उम्मीद है उनको बेल मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा करने वापस जो है लौटेंगे।